बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधिया रॉस किचन। आज मेरे किचन में बनेगी एक दफा फिर यूनिक और क्विक सी रेसिपी जिसका नाम है चिकन अचारी राइस। और आज ये रेसिपी बना रही हूँ मैं हुदा हुसैन की फरमाइश पे। सो हुदा, दिस इज स्पेशली फॉर यू। राइस के बनाने में है बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है। इसके अंदर हम अचार का होम मेड मसाला मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और उसको यूज करते हुए हम बनाएंगे राइस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। चलिए जी, देखिए अचारी राइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसके लिए अचार का मसाला तैयार करना होगा। उसके देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 टेबलस्पून ऑफ सौंफ, 2 टेबलस्पून ऑफ साबुत जीरा, 1 टेबलस्पून ऑफ कलौंजी एंड 2 टेबलस्पून ऑफ साबुत धनिया। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को हम जो है वो अपने ग्राइंडर में डाल के अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारा अचार का मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हमें बिल्कुल बारीक नहीं करना है, इसको थोड़ा सा हमने जो है वो जिसे दरदरा सा बोलते हैं थोड़ा सा उस तरह का रखना है कि इसका टेक्सचर फील हो। अच्छा देखिए अचार का जो मसाला था हमारा वो देखिए मैंने पीस लिया है। इसमें दो चीज़ें हमें और ऐड करनी है, वो मैंने साथ में इसलिए डाली थी कि वो ऑलरेडी हमारे पास पिसी हुई है। देखिए यहाँ पे मैंने ले लिए 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी एंड 1 टीस्पून ऑफ कुटी हुई मिर्च यानी कि चिली फ्लेक। ये दोनों चीज़ें भी हमारी चली गई हैं। ठीक है, ये हमारा देखिए मसाला बिल्कुल जो है अचार का रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम जल्दी से अपने चिकन अचारी राइस करते हैं बनाना स्टार्ट। देखिए पैन हमारा है रेडी, यहाँ पे मैं डाल दूंगी रफली इसके अंदर 1 कप ऑफ ऑयल। अच्छा जी देखिए अब इसमें हम पहले लगाएंगे बघार गरम साबुत गरम मसाले का। उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे ले ली हैं 2 छोटी इलायचियाँ, 2 तकरीबन 1 या 2 आप जो है ले लीजिए सिनेमन स्टिक, 2 मैंने ले ली हैं बड़ी इलायचियाँ, 1 अगर बड़ा है तो तेजपात का पत्ता ले लीजिए, 2 बादियान के फूल लिए हैं मैंने तकरीबन 6 to 7 आप ले लीजिए लॉन्ग, 6 to 7 आप ले लीजिए ब्लैक पेपर कॉर्न और 1/4 टीस्पून मैंने ली है मेथी दाना। ये सारा कुछ हमारा चला जाएगा सबसे पहले। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ये बेसिकली हमारे बघार का सामान है। कि गरम मसाला हमारा हो चुका है खूब अच्छे से गरम। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 मीडियम अनियंस मैंने चॉप कर ली हैं। अब जब तक हमारी अनियंस होंगी गोल्डन ब्राउन, इसको हम थोड़ा सा अनियंस को अपने गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अच्छा जी देखिए हमारी जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ले ली है तकरीबन 750 ग्राम्स ये चिकन है बोन्स के साथ, ऑब्वियसली ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़े बड़े बड़े मैंने पीसेस लिए हैं इसके अंदर, आप चाहें तो इसको बोनलेस भी बना सकते हैं, बोनलेस में बहुत मजे की बनती है। अच्छा जी अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। आप अपनी चिकन की बोटियों को 2 मिनट के लिए जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट में अगर भून लेंगे ना तो उससे बिल्कुल जो मीट की स्मेल होती है ना वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो जस्ट गिव इट 2 मिनट्स, थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे, उसके बाद मैं इसमें अपनी रिमेनिंग इन्ग्रीडियंट्स ऐड करूँगी। चलिए देखिए चिकन हमारी थोड़ी सी भुन गई है, इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे मसाले। देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला, 1 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट हम एंड में चेक कर लेंगे दफ़ा फाइनली। इसके बाद देखिए ये जो हमने शुरू में स्टार्ट में अचार का मसाला बना के रखा था ये मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के ऐड कर दूँगी। और ये जो रिमेनिंग है इसको मैं बताती हूँ भी हमने क्या करना है। और ये मसाला डालते के साथ ही हमारी चिकन में इतने मज़े की अचारी सी खुशबू आई है, वाह। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे ले ली है 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज, उसको मैंने चॉप कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको 2 to 3 मिनट्स के लिए हम यहाँ पे होने देंगे कुक। इसके बाद देखिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 कप ऑफ योगर्ट। सारी चीज़ें हमने इसको इसके अंदर 1 go में डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद आप बस अपनी चिकन को गलाइए, 2 मिनट के लिए इसको भून लीजिए और आपका मज़ेदार से चिकन अचारी राइस हो जाएंगे रेडी। बहुत सिंपल है बनाने में और बहुत ही क्विक रेसिपी है ये। सब कुछ देखिए हमारा चला गया है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसको लगा दूंगी यहाँ पे लिड फॉर 3 to 4 मिनट्स तकरीबन, और फिर हम आके अब चेक करेंगे। जैसे ही हमारी चिकन हो जाएगी टेंडर इसको हम भून लेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे राइस। अच्छा देखिए जब तक हमारी जो चिकन है वो टेंडर हो रही है, इन द मीन वाइल हम जल्दी से अपनी जो अचारी चिकन के अंदर जो हमारी ग्रीन चिलीज पड़ेंगी उसकी फिलिंग करते हैं। देखिए आपको याद होगा मैंने आपसे यहाँ पे कहा था कि ये अचार का मसाला हमने यूज़ नहीं करना है, इसको हमने रोक के रखना है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी ऑलमोस्ट 1/2 लेमन। देखिए लेमन डाल के इसको हमने इस तरह से कर लेना है मिक्स, 2 much lemon आपने नहीं डालना है, इसको हमने बस इस तरह से करना है। बहुत ज़्यादा अगर लेमन हो जाएगा ये बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा
तो भी हमारी मिर्चियों में फिलिंग मुश्किल से होगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है और थोड़ा सा लेमन से इसमें टैंगी सा टेस्ट भी आ गया होगा। अच्छा, अब हमने करना है क्या, देखें ये मैंने ली है मोटी वाली ग्रीन चिलीज, जिसे बुलेट चिलीज भी बोलते हैं। इसको देखें मैं इस तरह से करके इसमें स्लिट्स लगाऊंगी लाइक दिस। ये देखिए इस तरह से करके आप सारी अपनी ग्रीन चिलीज के अंदर स्लिट्स कर लीजिए। देखिए मेरी सारी ग्रीन चिलीज में लग चुकी है स्लिट। अब हम इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपने ग्रीन चिली लेनी है, ऐसे देखिए आप इसको ओपन कीजिए और ये जो हमारा अचार का मसाला है ये हम इसमें इस तरह से कर देंगे फिल। इजी पीजी काम है, 2 मिनट में हो जाएगा। ये देखिए ठीक है, इस तरह से मैं अपनी सारी ग्रीन चिलीज को जल्दी से फिल कर लूंगी। और ये देखिए हमारी ग्रीन चिलीज बड़े मजे की फिल हो चुकी हैं और अब हम चल के चेक करते हैं अपनी चिकन को। क्या अमेजिंग खुशबू आई है मेरे चिकन में से। देखिए चिकन मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट गलने पर आ चुकी है। अब मैं इसका लिड हटा दूंगी और अब मैं इसको खोल के भूनूंगी तेज आंच पर, थोड़ा हाई फ्लेम पे। अच्छा देखिए चिकन जो है मेरी अच्छे से भून चुकी है, जैसे आपको नजर आया होगा कि इसमें ऑयल जो है वो बिल्कुल अच्छे सेपरेट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, देखें ये जो मेरे पास यहाँ पे ग्रीन चिलीज थी जो हमने बड़े मज़े के अचारी मसाले से फिल की थी, ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छा देखिए 750 ग्राम्स मैंने चिकन ली थी और ये मैंने 750 ग्राम्स ही बासमती राइस को जो है वो फॉर अराउंड हाफ एन आवर आप कह लीजिए इसको सोक करके रखा था। मैं यहाँ पे ब्लैक एक्स्ट्रा लॉन्ग लैला बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ, वो बेस्ट चावल है। ठीक है ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब इसके अंदर हम वाटर ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे रफली मेरे पास 100 ml वाटर है फिलहाल, मैं पहले वो डालूंगी तकरीबन आप कह लीजिए 1 cup के अराउंड। अच्छा देखिए पानी का अंदाज मैंने आपको अपनी पिछली भी काफ़ी वीडियोस में बताया है कि अगर आप कोई पुलाव टाइप की रेसिपी बना रहे हैं जिसमें हम पानी साथ डाल के कुक करते हैं, सॉरी राइस साथ डाल के कुक करते हैं, तो उसके अंदर पानी का अंदाज़ा क्या होता है कि आपका जो नीचे राइस है उससे आपका जो पानी का लेवल है वो रफली 1 inch ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है तो मेरा बिल्कुल सही है, परफेक्ट है पानी का लेवल। अब मैं लगा दूंगी इसको लिड और मैं इसको कुक होने दूंगी फॉर 10 to 15 minutes। सही है तो उसके बाद हम मिलते हैं और देखते हैं कि हमारे चिकन अचारी राइस कैसे बने हैं। तो ये लीजिए माय व्यूअर्स, आप लोगों के मज़ेदार से चिकन अचारी राइस जो हैं वो हमारे रेडी हो गए हैं। उसको हमने डिश आउट भी कर लिया है और मैंने आपको दिखा दिया है कि ये कितने मज़े के लग रहे हैं। अच्छा सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आप इसको मटन में या लैम में भी बना सकते हैं, बीफ में बना सकते हैं, बहुत मज़े का बनता है। और अगर कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं जो चिकन अवॉइड करते हैं ऑब्वियसली, तो वो इसके अंदर चिक पीस भी ऐड कर सकते हैं। आप सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर इसमें चिकन को हटा के चिक पीस डाल देंगे तो ये आपकी वेज रेसिपी बन जाएगी। बनाने में कितने देखें सिंपल थे, सब चीज़ें आपने एक ही गो में डालना है, भूनना है और बस राइस डाल देना है और एक आपकी यूनिक सी डिफरेंट सी डिश हो जाएगी तैयार। तो चलिए अब आप लोग जाइए मज़ेदार से चिकन अचारी राइस कीजिए ट्राई। लेकिन उससे पहले एक दफ़ा मैं आपको याद दिला दूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आई विल सी यू सून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।